नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल सीएनसी गुरु महेंद्र वर्मा में। और मैं महेंद्र वर्मा हमेशा की तरह आज फिर आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों आज मैं आपको GD&T के बारे में बताने वाला हूँ कि ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस के जो सिम्बल्स होते हैं हमारे जो इंजीनियरिंग ड्रॉइंग के अंदर सबसे अधिक यूज किए जाते हैं, तो दोस्तों वो समझना आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर उनके बारे में आप लोगों को जानकारी नहीं है तो आप जो है वो ड्रॉइंग को अच्छे तरीके से रीड नहीं कर पाएंगे। और ऐसे साथी जो अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें और मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क से जरूर जुड़ें। मेरा Facebook पेज और मेरे Telegram ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, वहां पर से आप जो है वो लिंक को जरूर ज्वाइन करें ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो होती है उसकी सबसे पहले जानकारी जो है वो मेरे Facebook पेज और मेरे जो है वो Telegram ग्रुप पर ही आती है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि GD&T क्या चीज़ होता है। GD&T का मतलब होता है ज्योमेट्रिक डायमेंशंस एंड टॉलरेंसिंग। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ये टॉपिक है, इस टॉपिक को बड़े ही ध्यान से आप लोगों ने जो है वो इसको सीखना है। और आपको आज के इस टॉपिक के बाद में ड्राइंग को जो रीड करना है बड़ा ही आसान हो जाएगा, उसके अंदर जो GD&T के जो सिंबल्स होते हैं वो आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो आइए आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि GD&T क्या है। ज्योमेट्रिक डायमेंशंस एंड टॉलरेंसिंग इसका जो है वो फुल फॉर्म होता है, इज ए सिस्टम ऑफ डिफाइंग एंड कम्युनिकेटिंग इंजीनियरिंग टॉलरेंसेस। मतलब इसका ये है कि ये इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर जो है वो टॉलरेंस को डिफाइन करने के लिए, कम्युनिकेटिंग करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड ए सिंबॉलिक लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग टू डिस्क्राइब डायमेंशंस एंड इट्स वेरिएशन ऑन साइज। मतलब इसका ये हुआ कि ये एक इंजीनियरिंग ड्राइंग की एक लैंग्वेज है, सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है जिसके द्वारा जो डिज़ाइनर होता है वो आपको क्या बनाना है, उसके अंदर कितना फ्लैटनेस रखना है, कितना एंगुलरिटी रखना है, कितना क्या कुछ रखना है, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो सिंबल के द्वारा समझाना जो है वो आपका जो है वो GD&T के अकॉर्डिंग में आता है। तो फ्रेंड्स आगे हम लोग जो है वो पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के जो है वो सिंबल्स हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ GD&T बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे है फ्लैटनेस के बारे में पढ़ेंगे हम कि फ्लैटनेस क्या होता है, स्ट्रेटनेस क्या होता है, सिलेंड्रिसिटी क्या होता है, सर्कुलरिटी क्या होता है, प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस क्या होता है, प्रोफाइल ऑफ ए लाइन क्या होता है, प्रपेंडिकुलरिटी क्या होता है, सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, कंसेंट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, ट्रू पोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, टोटल रनआउट के बारे में पढ़ेंगे, रनआउट के बारे में पढ़ेंगे और पैरालिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इनको जो है वो इनकी क्लासिफिकेशन क्या है, तो ये सारे जितने भी आप लोगों ने GD&T के जितने भी सिंबल्स आपने पढ़े हैं इनको जो है वो 5 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला है फॉर्म और उसके बाद में आता है आपका लोकेशन, ओरिएंटेशन, प्रोफाइल और रनआउट। तो ये 5 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो बात करेंगे कि कितने प्रकार के जो है वो सिंबल्स जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं। लगभग जो है वो ये सिंबॉलिक एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि 14 प्रकार के जो ज्योमेट्रिक जो आपके टॉलरेंस जो सिंबल्स होते हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रेटनेस का सिंबल क्या है, फ्लैटनेस का क्या है। तो अलग अलग जितने भी प्रकार के यहाँ पे जो सिंबल है वो सब दिए गए हैं, हर प्रकार का जो भी दिया गया है यहाँ पे। और उसके बाद में कैटेगरी में कौन कौन सी कैटेगरी में आते हैं वो सब दिया गया है यहाँ पे। आपका फॉर्म हो गया, ये आपका प्रोफाइल, ओरिएंटेशन, लोकेशन और रनआउट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है वो दी गई है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फॉर्म टॉलरेंस के बारे में बात करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है आपका फ्लैटनेस। फ्लैटनेस का सिंबल यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फ्लैटनेस क्या होता है वो आपको बताऊंगा। फ्लैटनेस मतलब फ्लैट होना, कि अगर आपका कोई भी पार्ट है उसकी अगर एक सतह जो है वो दूसरी सतह के अकॉर्डिंग बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। यहाँ पर ये आपका सिंबल दिया गया है यहाँ पर फ्लैटनेस का, और यहाँ पर ये टॉलरेंस दी गई है इसके अंदर कि कितनी होनी चाहिए, 0.030 जो है mm जो है इसके अंदर दी गई है। और इसी के अनुसार हम लोग जो है वो इसकी फ्लैटनेस चेक करते हैं कि ये चारों ओर से बिल्कुल जो है वो फ्लैट है या नहीं है।
जितना इधर से है उतना ही जो है वो इधर से होना चाहिए और उतना ही इधर से होना चाहिए। तो इसे कहते हैं हम लोग फ्लैटनेस, मतलब उसकी फ्लैटनेस को चेक करना। अगर एक साइड से आपका फ्लैट है और दूसरे साइड से अगर वो टेपर आ रहा है तो वो फ्लैटनेस जो है वो नहीं माना जाएगा। तो इसे कहते हैं फ्लैटनेस, मतलब कोई भी पार्ट हुआ वो हर एक प्रकार से जो है वो बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। उसके बाद में आता है आपका स्ट्रेटनेस। स्ट्रेटनेस का मतलब होता है बिल्कुल सीधा। कोई भी, चाहे कोई सिलेंड्रिकल जॉब हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई भी प्रकार का कोई जॉब हो, तो वो बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये स्ट्रेटनेस का सिंबल दिया गया है और यहाँ पर इसकी जो है वो टॉलनेस भी दी गई है। तो डायमीटर यहाँ पर आपका दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि इस प्रकार से कोई भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, आपका बिल्कुल क्या होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। और यहाँ पर कितनी स्ट्रेटनेस होनी चाहिए, मतलब 0.030 mm जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। इससे अगर अधिक मतलब यहाँ तक तो होनी चाहिए। अगर वो स्ट्रेट, अगर बिल्कुल हल्का सा टेढ़ा होगा तो वो जो है इस टॉलरेंस से आउट हो जाएगा और वो स्ट्रेटनेस में नहीं माना जाएगा। वो स्ट्रेटनेस कैसे चेक करते हैं, डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा आप किसी भी पार्ट को जो है वो स्ट्रेटनेस को चेक कर सकते हैं कि वो कितना स्ट्रेट है। उसके बाद में हम लोग मापते हैं उसकी स्लेंडरसिटी। स्लेंडरसिटी से आप ये समझते हैं कि जैसे मान लो कोई भी आपके पास में कोई जॉब है, बिल्कुल सिलेंड्रिकल जॉब है, और उसका जो सिंबल होता है वो इस प्रकार से सिंबल होता है, ओके। और यहाँ पर ये टॉलरेंस दिया गया है। सिलेंड्रिसिटी मापने का मतलब ये है कि उसका जो आपका जो डायमीटर है उस सिलेंडर का, वो कहीं से भी जो है वो आउटर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेंटर टू सेंटर होना चाहिए। अगर हल्का सा भी डायमीटर में अगर कोई गड़बड़ आती है तो वो आपका जो डायमीटर इस ओवल प्रकार का नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जो है वो गोल होना चाहिए। अगर अंदर का जो सेंटर है इस डायमीटर के आधार पर है तो आउटर डायमीटर भी जो है वो इसी सेंटर के आधार पर ही होना चाहिए। तो इसे कहते हैं हम लोग बिल्कुल, इसे कहते हैं सिलेंड्रिसिटी। आगे बात करेंगे सर्कुलरिटी। सर्कुलरिटी का मतलब होता है मतलब बिल्कुल गोल होना। कोई भी पार्ट जो है वो सिलेंड्रिकल, अगर कोई भी पार्ट है आपका, तो उसकी बाहर की जो उसकी जो जो परिधि है वो बिल्कुल जो है वो गोल होनी चाहिए, अंडाकार शेप में नहीं आनी चाहिए, और वो सेंटर से आउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इस वाली साइड से लेकर के यहाँ तक बिल्कुल पूरा का पूरा गोल होना चाहिए। तो सर्कुलरिटी हम लोग चेक करते हैं, तो आपकी सर्कुलरिटी इससे जो है वो मतलब जो है वो यहाँ पर टॉलरेंस दिया गया, ज़्यादा या कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पूरा जो भी आपको टॉलरेंस डायमेंशन के अंदर दी गई है उसी के अंतर्गत होनी चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर्कुलरिटी, मतलब कोई सिलेंड्रिकल जॉब है वो ओवल शेप में नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सर्कल में होनी चाहिए। सर्कल मतलब पूरा 360 डिग्री एकदम बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, ओके। उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। सेकंड जो टॉलरेंस की क्लास है वो आपकी लोकेशन टॉलरेंस क्या होती है, लोकेशन को दर्शाती है ये। सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि ये सिमेट्री का जो है वो यहाँ पर सिंबल दिया गया है, तो ये सिमेट्री का सिंबल है। मतलब एक मान लो अगर एक साइड जो है वो आपकी बिल्कुल इस प्रकार से दी गई है तो दूसरी साइड भी उतने ही टॉलरेंस के अंदर में आनी चाहिए। मतलब एक सतह को दूसरे सतह के अकॉर्डिंग जो है वो हम लोग चेक करते हैं, तो इसे हम लोग जो कहते हैं वो सिमेट्री कहते हैं। यहाँ पर एक जो पार्ट है वो दूसरे पार्ट के साथ में हम लोग उसकी तुलना कर सकते हैं, मतलब सिमेट्री मतलब बिल्कुल समान होना चाहिए, बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। तो तुलना हम लोग इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सिमेट्री का सिंबल दिया गया है, यहाँ पर इसकी टॉलरेंस दी गई है, बिल्कुल यहाँ पर ये जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल ही मेल खानी चाहिए आपस में, अन्यथा ये जो है वो पार्ट आपका रिजेक्ट हो जाएगा। कंसेंट्रिसिटी, कंसेंट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंटर हो जाना। मतलब अगर कोई शाफ्ट ऐसी है जिसके अंदर दो डायमीटर आपके बन रहे हैं, एक डायमीटर ये है और एक ये डायमीटर है, तो यहाँ पर ये सिंबल दिया गया कंसेंट्रिसिटी का। इसका मतलब ये होता है कि कंसेंटर हो जाना, मतलब आपका कहीं पार्ट जो कंसेंटर तो नहीं होगा, मतलब जो ये डायमीटर आपका बना हुआ है, यहाँ पर ये जो डायमीटर है, ये इस डायमीटर का ये वाला सेंटर और इस डायमीटर का सेंटर दोनों एक ही लाइन पे बनने चाहिए। अगर आपका सेंटर इसका अलग आ रहा है और इसके इसका सेंटर अलग आ रहा है, तो इसके अंदर जो है वो कंसेंट्रिसिटी जो है वो हो जाएगी, मतलब आपका जो पार्ट है वो खराब हो जाएगा और वो बबलिंग करने लगेगा अगर किसी भी गाड़ी के अंदर उसको फिट किया जाएगा। तो ये जो है वो इसी एक्सिस के ऊपर, एक ही एक्सिस के ऊपर इसका सेंटर होना चाहिए, ये जो दोनों डायमीटर है, अगर इसका सेंटर एक ही डायमीटर का आउट हो गया तो वो कंसेंटर हो जाएगा। उसके बाद में पोजीशन,
पोजीशन में क्या होता है कि किसी एक पॉइंट से आप दूसरे पॉइंट पर अगर आप पहुंचना चाहते हैं, किसी जैसे यहाँ पे हम लोग ड्रिल करते हैं, तो यहाँ पर ये वाला जो होल है, ये वाला होल जो है, अगर इसी के आधार पर अगला होल की जो है वो पोजीशन बिल्कुल ओके होनी चाहिए। ये होता है बिल्कुल सेंटर पोजीशन, सेंटर पोजीशन पे ही जो है आपका जो है वो पार्ट आपका फिट होना चाहिए, ठीक है। अगर सेंटर से आउट हो जाएगा तो ये जो है वो यहाँ पर है जो है वो पोजीशनिंग उसकी जो है वो आउट हो जाएगी। तो ये सेंटर को दर्शाता है, सेंटर पोजीशनिंग को, तो वहीं पर ही आपका जो पार्ट है वो फिट होना चाहिए। अगर आउट हो गया तो आपका जो पार्ट है वो खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पोजीशन का जो है वो सिंबल दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, प्रोफाइल टॉलरेंस। प्रोफाइल टॉलरेंस में क्या होता है कि आप कोई भी पार्ट का जो है प्रोफाइल ऑफ द लाइन, सबसे पहले हम लोग प्रोफाइल ऑफ द लाइन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोफाइल ऑफ द लाइन का ये सिंबल होता है, तो ये इस प्रकार से आप देख रहे हैं, ये एक प्रोफाइल ऑफ द लाइन है। एक साइड से अगर जितनी भी प्रोफाइल ऑफ द लाइन इधर आनी चाहिए, सेम यही प्रोफाइल ऑफ द लाइन जो है वो इधर भी आनी चाहिए। यहाँ पर आप डायल टेस्ट इंडिकेटर लगा करके आप यहाँ पे इसको जो है वो चेक कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को पता चल जाए कि एक साइड में अगर जितना आपको टॉलरेंस दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो दूसरी साइड में भी इतना ही होना ही चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो इसे कहते हैं प्रोफाइल ऑफ द लाइन। आगे पढ़ेंगे हम लोग प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस, मतलब ये जो है वो थ्री डायमेंशनल में इसको चेक किया जाता है, तीन डायमेंशनल में इसको जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है। ये इस प्रकार से मान लो कोई बॉक्स है, इसका पूरा का पूरा जो है प्रोफाइल ऑफ द सरफेस हमने चेक करना है, तो जितना आपका इधर से आ रहा है उतना ही उधर से ही आना चाहिए, बिल्कुल एक ही प्रोफाइल के ऊपर चलना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर प्रोफाइल जो है वो इस प्रकार से जो है वो प्रोफाइल ऑफ द सरफेस का जो है आपको सिंबल देखने को मिलेगा। जो भी इसके अंदर जो भी लाइनें हैं ये इस प्रकार से जा रही है तो सेम प्रोफाइल पे जानी चाहिए, ये भी जा रही है तो पूरी की पूरी सेम ही प्रोफाइल पे जो है वो जानी चाहिए। तो इसे कहते हैं हम लोग प्रोफाइल ऑफ द सरफेस। आगे आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलरिटी को चेक करते हैं। परपेंडिकुलरिटी का मतलब क्या होता है कि मतलब अगर कोई भी सरफेस के ऊपर अगर कोई भी पार्ट आपका 90 डिग्री पे आकर के मिल रहा है तो वो परपेंडिकुलर सरफेस के ऊपर मिल रहा है, तो वो परपेंडिकुलरिटी अगर आपको दिया गया है यहाँ पे सिंबल, तो बिल्कुल परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, 90 डिग्री पर आकर के ही मिलना चाहिए। अगर वो किसी एंगल में झुका हुआ है तो वो परपेंडिकुलरिटी जो है वो उसकी नहीं मानी जाएगी, बिल्कुल जो है वो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्या होना चाहिए आपका स्ट्रेट होना चाहिए, बिल्कुल खड़ी दिशा में होना चाहिए ऊपर, बिल्कुल 90 डिग्री के अंदर। उसके बाद में आता है पैरालिज्म। पैरालिज्म का मतलब ये होता है कि आपका कोई भी जो पार्ट है अगर उसकी जो अगर इधर से भी ये जो है डायमेंशंस है वो भी एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए। अगर एक डायमेंशन उसकी जो है वो तिरछी जा रही है तो वो जो है वो पैरालिज्म में नहीं माना चाहिए, एक समान होना चाहिए बराबर। तो इस प्रकार से इसका जो है वो सिंबल होता है। तो फ्लैट के आधार के ऊपर हम लोग जो है वो इसको रख करके आराम से जो है इसका जो हम लोग पैरालिज्म जो है वो आसानी से इसका चेक कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं एंगुलरिटी। एंगुलरिटी का मतलब होता है कि आपका कोई भी जो पार्ट है वो कितने डिग्री एंगल पे जो है वो जा रहा है, तो उसका एंगल जो है वो मेजर करते हैं एंगुलरिटी के अंदर। ओके, तो जितना एक साइड से आपका इधर से एंगल है तो सेम उसी ब्लॉक का उधर साइड से भी एंगल जो है वो बिल्कुल सेम ही होना चाहिए, तो इसे कहते हैं हम लोग एंगुलरिटी। तो इसका यहां पर ये जो है वो सिंबल दिया गया है। रनआउट, रनआउट के बारे में बात करेंगे। तो सर्कुलर रनआउट क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग बात करना चाहते हैं, अगर कोई शाफ्ट होती है तो शाफ्ट के अंदर अगर उसका जो सेंटर से आउट हो जाए, अगर शाफ्ट का जो एक सेंटर है दूसरे सेंटर से आउट हो जाए तो उसमें क्या हो जाता है, रनआउट पैदा हो जाता है। तो यहां पर रनआउट जो है वो क्यों पैदा होता है, क्योंकि अगर और अगर हम लोग रनआउट जो है वो चेक करना चाहें तो आप डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा हम लोग जो है वो कितना रनआउट आ रहा है साइन सेंटर यूज करके हम लोग जो है वो या वी ब्लॉक का यूज करके जो है वो उसका जो रनआउट है वो हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना रनआउट आ रहा है। जो आपका सेंटर टू सेंटर ही बनेगा तो उसमें रनआउट नहीं आएगा, अन्यथा उसमें जो है रनआउट आ जाएगा, और रनआउट का सिंबल यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है। आगे बढ़ेंगे टोटल रनआउट के बारे में बात करेंगे। टोटल रनआउट क्या होता है, रनआउट में तो हम लोग एक ही जगह पर हम लोग जो है वो डायल टेस्ट इंडिकेटर को लगा के देख लेंगे जिससे आपको जो है वो पता चल जाएगा। और अगर हम लोगों को टोटल रनआउट प्राप्त करना हो तो अलग अलग जगह पे हम लोग जो है वो चेक करते हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर लगा के देखा, फिर हमने यहाँ पे लगा के देखा, फिर इसको इस प्रकार से हमने आगे पीछे इसको करके देखेंगे।
तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितना कौन सी जगह पे कितना कितना जो है वो आ रहा है। तो उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग जितनी जगह पे उसको चेक किया है उन सब की टॉलरेंस को प्लस करके और कितने पॉइंट पे हम लोग चेक किया है उसको जो है उससे भाग दे देंगे, तो हमें पता चल जाएगा उसका टोटल रनआउट कितना आ रहा है। ओके, तो ये यहाँ पर टोटल रनआउट में दो तीर के निशान होते हैं, ये इसका जो है वो सिंबल होता है। आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि GDNT के अंदर कोई भी ड्राइंग जो होती है उसके अंदर किस प्रकार से जो है वो आपके जो सिंबल्स होते हैं वो दिए गए होते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को बताया गया है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप लोगों को जो है वो आप लोगों को इसका सिंबल दिया गया है, पोजिशन का सिंबल दिया गया है। यहाँ पर आपने कोई होल करना है तो यहाँ पर पोजिशन दिया गया है, पोजिशन का सिंबल दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोफाइल ऑफ द सरफेस का यहाँ पर जो है वो सिंबल दिया गया है, और यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर का सिंबल दिया गया है, यहाँ पर पोजीशन का सिंबल दिया गया है, और यहाँ पर भी प्रोफाइल ऑफ द सरफेस का सिंबल दिया गया है। तो जितनी जितनी इसके अंदर टॉलरेंसिंग है वो सारी की सारी आप लोगों को यहाँ पर जो है वो समझाई हुई है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया है तो दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि बहुत ही मेहनत से बनाया गया यह वीडियो है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आज का ये वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।